नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरोप है कि सीधी जिला प्रशासन इन दिनों मंत्री मय हो गया है। अधिकारी सोच रहे हैं संविधान मंत्री में बसता है, लेकिन मंत्री संविधान का छोटा सा अंग है। मंत्री के तंज इजला नहीं है, लेकिन सीधी में अधिकारी मंत्री के जुबान को कानून मान रहे हैं। तमाम बैठे अधिकारी घुसखोर और बेलगाम हो चुके हैं। सीधी जिले से कुछ श्रमिक पलायन करने बाहर गए हुए हैं, जिनको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पंजाब में बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बना है। बिस्मार खान संवैधानिक पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी अब तो जनप्रतिनिधियों का नहीं उठा रहे हैं फोन। पीसी सीधी से मनोज सिंह चौहान की एक खास रिपोर्ट। किसी एक व्यक्ति को ही क्यों कहेंगे, पूरा विभाग ही मंत्री में हो गया है और लोग सोचते हैं कि संविधान मंत्री में बसता है। मंत्री संविधान का एक छोटा सा अंग है, मंत्री संविधान नहीं है। मंत्री की टंग ला नहीं है, ला के अनुसार मंत्री है, मंत्री के अनुसार ला नहीं है। आजकल लोग मंत्री की जुबान को ही कानून मान ले रहे हैं, मंत्री की जुबान के मुताबिक चल रहे हैं। परिणाम पूरे जिले में त्राहि त्राहि हो रही है। ना तो प्रशासन, ना तो कानून प्रशासन, मतलब कुछ भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। तमाम ऐसे अधिकारी बैठे हैं, इतने घूसखोर हो गए हैं, इतने बेलगाम हो गए हैं। अब कलेक्टर सार्वजनिक रूप से अगर भीड़ में घुस करके किसी को लपड़ मारने लगे, झापड़ मारने लगे, तो इसे क्या कहेंगे। आज मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। अब हमारे यहाँ से मजदूर बाहर जाना रुक गए थे, लेकिन इस समय आए दिन शिकायतें आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से लड़कों के फ़ोन आते हैं कि हम लोग यहाँ ठेकेदार के यहाँ फंसे हैं। किसी का तेलंगाना से फ़ोन आ रहा है, हम यहाँ फंसे हैं। पंजाब से भी एक फ़ोन आया था, उसमें फंसे हैं। और पुलिस मतलब खबर होने के बावजूद निष्क्रिय है। आज सीधी नगर के आसपास ही कितने ब्लाइंड मर्डर हो गए, कितने अपहरण हो गए, और इन सब के मामले में पुलिस निष्क्रिय है। आज तो परिस्थिति ये है कि कोई बड़ा तीस मार्का संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के टेलीफोन पुलिस के लोग नहीं उठा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जनता जनार्दन क्या करें।